बिरयानी बढ़ चुकी है बैठ जाए, तो रह गया ना? <laughs> <laughs> वो नहीं मिलेगा अस्सलाम है? 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 नहीं, नहीं? बर्दाश्त नहीं होता कर... कि में कहां ले जाऊंगा बिल्कुल के साथ प्यार भी प्यार भी है हमारा कोई भी मेहमान आता है तो हमारी कोशिश कैसा भी नहीं उसका जाति फेल है जो भी कर रहा है लेकिन हमारे लिए वो बाइस है इज्जत है और हमें तालियों से पता चल जाता है वो कैसा है वो है आपके इसका नाम है। जी, जी सर जी, तो जी सरकार जी सरकार जी सरकार सरकार है ना फिर <laughs> सरकार और आपको पता है आजकल सरकार में क्या आज, आज तो मजा आने वाला है भाई आज तो है ना सर और कार हाँ इसीलिए आपने बगलों में हाथ डाल दिया मारिया जी अपने बचपन के हवाले से पढ़ाई कहाँ की पढ़ी के नहीं कर सकी लग रही स्कूल से दौड़ दौड़ जाती थी मैं

Uh, तो प्रे करने के लिए तो वो कई दफा मेरी बालदा को कहती तो तुम क्या वक्त बहुबन के घर में बैठी रहती धोना की मेरी सास ने हाँ, ये कह दिया जबकि हाँ। वो सकी भी थी। हाँ। ये माधर तो वो माई मादर ऑल्सो

ये ये हो गया। <laughs> <laughs> ये हो गया गया जी वो वो एक एक बख्तियार अहमद साहब तो उस वक्त आ, आ, manager वहाँ पे आ, आ, होते थे तो उन्होंने कहा और वो, और, just did it और उसके बाद फिर मैं सबसे कोई फिर उसके बाद पीछे हाँ, के नहीं देखा तो अगर मैं ये कहूँ कि जो किरदार ऑफर हो रहे हैं ग्रेजुअली विद पैसेज ऑफ टाइम जैसे मैं बहुत सारे किरदार जो मुझे ऑफर होते हैं मुझे रद्द करने पड़ते हैं क्योंकि मुझे उनमें कोई जूस नजर नहीं आता और मुझे मुझे ये लगता है कि हम हम रिलेशनशिप को मनफी दिखा रहे हैं तो ये मैं नहीं मैं मनफी नहीं दिखाना चाहता मनफी के अलावा हर जो किरदार लिखा हुआ है ना वो आप सिर्फ ये नहीं लिख सकते कि माँ बाप बहन नौकर फल हाँ. जो लिखा जा रहा है ना उसकी कोई लेयर नहीं है इंसान जो है वो लीनियर नहीं है उसकी बहुत सारी डायमेंशन यू नो आप किस डायमेंशन से लिख रहे हैं वो, वो जो आपको माँ या बहन या को, कोई भी दिखा रहे हैं या बाप या भाई या वेवर उसका वो कौन है एज अ पर्सन उसके मुताबिक वो रिएक्ट करेगा बाकी अपने जो इर्ग किरदार हैं उनके साथ तो वो आपको डायमेंशन दी ही नहीं जाती स्ट्रेट 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 तो वो मुझे बहुत इरिटेट करता है कि सिर्फ एक गे... लेकिन, लेकिन पिछले पाँच छः सालों में अगर मैं आपके किरदार उठाऊं तो उसमें काफ़ी इस तरह के किरदार हैं जिनका अभी आप जिक्र कर रही हैं कि आपने वो किए हैं hmm. तो वो किसी मजबूरी के तहत किए हैं हाँ वो भी वो भी है पहले तो आप देखें हर वक्त आपको कोई ऐसा स्क्रिप्ट या रोल ऑफर बिल्कुल नहीं हो रहा होता और वो जाहिर क्वालिटी वट एवर इज इन योर है जिसको भी आप क्वालिटी कहते हैं वो हमेशा कम होती है और क्वान्टिटी हमेशा ज्यादा होती है hmm. और इस चीज़ को मैं बिल्कुल uh, गलत नहीं समझती कि अगर मैं अपनी तरफ से बड़ी आर्ट फिल्में देखना पसंद करती हूँ तो उसका ये मतलब तो नहीं है कि कॉमेडी नहीं बनेगी और ले, लेरिकिंग लाइव नहीं बनेगा और स्टेज पर ड्रामा नहीं होगा या कमर्शल फिल्म नहीं बनेगी हर किस्म की ऑडियंस है और uh, हर किस्म की ऑडियंस के लिए बनना चाहिए तो मेरी ये कोशिश जरूर होती है कि बट आपको अगर दस ऑफर हो रही है और आपने करना है कहा मैन यू आर अ पार्ट ऑफ दिस मीडिया एंड यू हैव तो कहीं ना कहीं आपको ये, करना आप कही तो तो? ये, ये खौफ तो नहीं है बड़ी जल, जल, जल्दी हमारे यहाँ भी गया है speaking, अगर आप दो -चार महीने टीवी पे नहीं नजर आते तो लोग आपको भूल जाते हैं भूल जाते। तो मैं तो ये चाह रही हूँ भूल जाए <laughs> <laughs> नहीं मेरे जहन में ये नहीं था जब वर्किंग उस वक्त आई वॉन्ट टू वर्क आई वॉज डूइंग जो काम मैं कर रही थी वो उसके लिए कर रही थी फेम एंड पैसा जो भी उसके साथ है वो उसका बाय प्रोडक्ट था मोहतरमा मारिया वास्ती साहब हमारे साथ मौजूद हैं जी सरकार में एक छोटी सी ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होते हैं <प्राथ> एक मरतबा फिर से खुश जी सरकार में जिस माशाला पाए की आप अदाकारा हैं और जितना काम आपने किया है कि जब कोई किरदार आपको ऑफर होता है तो क्या आप उसको खुद डिजाइन करती हैं उस कैरेक्टर और तो कोई है नहीं करने वाला और तो कुछ नहीं करना पड़ता है तो ये भी फुकदान है इंडस्ट्री बहुत में। ज्यादा आपको कैरेक्टर्स एक्सप्लेन करने वाले डायरेक्टर्स मौजूद नहीं वो है। बिल्कुल नहीं है या या आप ये कहें कि वो आपकी इतने तजुर्बे से थोड़ा सा घबराते हैं अब आपको क्या बताएंगे जाने की तो जरूरत होती है बिकॉज मैं जिस जिस चीज को सोच रही हूँ जो मेरे काम में झलक नजर आएगी वो हमेशा आपको डायरेक्टर का पॉइंट ऑफ व्यू नजर आएगा डायलॉग का आप दस तरीके से बोल सकते हैं बट डायरेक्टर क्या तभी तो आप डायरेक्टर को इधर रखते हैं ऐसे तो नहीं है ना कि बस कोई भी डायरेक्टर बन गया ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू जो वो दिखाना चाहता है क्योंकि वो

जिसका अभी आपने जिक्र किया कि फुकदान होता चला जा रहा है, क्योंकि आप खुद प्रोड्यूसर हैं, तो कभी मन चाहा कि मैं लोगों के लिए तो वैसा नहीं कर पा रही तो चलो मैं वैसी चीजें अपने प्रोडक्शन हाउस के लिए लिखवाऊँ और खुद प्रोड्यूस उन्हें सोचा तो यही था वैसे तो आ गए और ये वो प्राइवेट प्रोड्यूसर था जो एक्टर्स में से ज्यादातर आए थे जो अच्छा काम क्रिएटिवली करना चाहते थे वो अपना प्रॉफिट उतना नहीं देखते थे वो दे वांटेड टू प्रोड्यूस समथिंग गुड तो जब चैनल वांटेड समथिंग एल्स और आप आ, किसी नई चीज़ पर नहीं कर सकते थे वो एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहते या जो भी एक वो सिस्टम था तो फिर वो एक फिर मैंने माई पार्ट है मैंने कहा भाई तुम करो वो दैनल वॉन्ट्स मेरी जाकर हो जाएगी वहाँ पर क्योंकि अजीब अजीब रेलिवेंट जो आपके सोसाइटी के hmm. जिसके अंदर क्योंकि हम पी टी वी की पैदावार है तो हमारे अंदर एक सेंसर काम हर वक्त कर रहा होता है तो right. we'll जिसके कोई ऐसी बात हो वैसे भी तो आजकल हर किस्म की बात बट हो, हो 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 uh, हमने बहुत रेलिवेंट सब्जेक्ट पे काम किया